Let us start. In today's class, we are going to start with concepts of quadratic equation. Give the heading.

Ax square plus bx plus c equals to 0, where alpha and beta are the roots of the equation. Where alpha and beta are the roots of the equation. So we say that some of the roots. Sum of the roots is equals to minus B by A, that is alpha plus beta, and product of the roots is equals to C by A. Product of the roots. इज इक्वल्स टू सी बाई एट इज आल्फा इंटू बीटा अब कोई मेरे को ये बता सकता है क्या ए बी सी क्या है वॉट इज ए वॉट इज बी एंड वॉट इज सी कॉन्स्टेंट्स वेरी गुड दे आर कॉन्स्टेंट्स ये बात एकदम आपका सही है बट राशि ने भी सही कहा है दे आर ऑल्सो कोफिशियंट तो वी कैन से दैट वी कैन से दैट वी कैन से दैट ए इज कोफिशियंट ऑफ एक्स स्क्वायर B is coefficient of X and C is the constant term A is coefficient of X square B is coefficient of X and c is constant term so how to form a quadratic equation how to form a quadratic equation x square minus sum of the roots into x plus product of the roots is equals to 0 x square minus sum of the roots into x plus product of the roots इज इक्वल्स टू जीरो इज इक्वल्स टू जीरो एक बात ध्यान रखिएगा कि ए cannot नॉट बी जीरो एक बात ध्यान रखिएगा ए कैन नॉट बी जीरो और एक बात ध्यान रखिएगा इफ बी इज इक्वल्स टू जीरो देन

प्योर क्वाड्रेटिक में एक्स वाला टर्म नहीं होता है तो मैं यहां पर एग्जाम्पल लिख रहा हूं एग्जाम्पल वन एक्स स्क्वायर माइनस फाइव एक्स प्लस सिक्स इक्वल्स टू जीरो और एग्जाम्पल टू एक्स स्क्वायर माइनस नाइन इक्वल्स टू जीरो आप बताइए कौन सा प्योर क्वाड्रेटिक है और कौन सा अफेक्टेड क्वाड्रेटिक है You have to answer me which one is pure quadratic and which one is affected quadratic. So this may x well term na this Ye pure. Hai. And this is affected quadratic. This is affected quadratic. This is affected quadratic. नेक्स्ट इज श्रीधर आचार्य फॉर्मूला श्रीधर आचार्य फॉर्मूला वेयर अल्फा इज इक्वल्स टू माइनस बी प्लस रूट ओवर बी स्क्वेयर माइनस फोर ए सी बाई टू ए एंड बीटा इज इक्वल्स टू माइनस बी माइनस रूट ओवर B square minus 4 AC by 2A. Alpha is equals to minus B plus root over B square minus 4 AC whole divided by 2A and beta is equals to minus B minus root over बी स्क्वेर माइनस फोर ए सी बाई टू ए अब आपको ए बी सी का मतलब पता है यस और नो यहां से एक नया टर्म उभर के आता है जिसको हम लोग डी बुलाते हैं दैट इज बी स्क्वेयर माइनस फोर ए सी इट इज नोन एज डिस्क्रिमिनेंट दिस इज नोन एज डिस्क्रिमिनेंट दिस इज नोन एज डिस्क्रिमिनेंट इसको क्या बोला जाता है इसको डिस्क्रिमिनेंट बोला जाता है एंड विद द हेल्प ऑफ डिस्क्रिमिनेंट वी डिटरमाइन नेचर ऑफ द रूट्स विद द हेल्प ऑफ डिस्क्रिमिनेंट वी डिटरमाइन नेचर ऑफ द रूट्स डिटरमाइन नेचर ऑफ द रूट्स सो वॉट इज बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी डिस्क्रिमिनेंट एंड डिस्क्रिमिनेंट निकालने का ऑब्जेक्टिव क्या है टू नो द नेचर ऑफ द रूट्स टू नो द नेचर ऑफ द रूट्स टू नो द नेचर ऑफ द रूट्स तो अब d का वैल्यू क्या क्या हो सकता है d का वैल्यू या तो पॉजिटिव हो सकता है या जीरो हो सकता है या नेगेटिव हो सकता है अब पॉजिटिव में भी आइदर इट कैन बी अ परफेक्ट स्क्वायर और इट कैन नॉट बी नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर मैं एग्जाम्पल लिख लेता हूं परफेक्ट स्क्वायर एग्जाम्पल मतलब नाइन नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर का एग्जाम्पल हो गया थ्री और नेगेटिव में एग्जाम्पल हो गया माइनस फाइव दिस आर द वैल्यूज ऑफ डी बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी तो से फॉर एग्जाम्पल अगर मेरा बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी जीरो आ रहा है इसका बोलने का मतलब है द रूट्स आर रियल एंड इक्वल द रूट्स आर रियल एंड इक्वल अगर नेगेटिव आ रहा है तो रूट्स आर इमेजिनरी द रूट्स आर इमेजिनरी अगर इट्स अ परफेक्ट स्क्वायर दिस इज रियल अनईक्वल एंड रैशनल एंड यहां पर इट विल बी रियल अनईक्वल एंड Irrational. Very important. If D is zero, the roots are real and equal. If D is a perfect square. Roots are real, unequal, and rational. If roots are not a perfect square but a positive value, it will be real, unequal, and irrational. If roots are negative, if discriminant is negative, then the roots are imaginary. Then the roots are imaginary ठीक है नेक्स्ट जुगेट रूट्स ऑकर इन पेयर्स तो बोल रहा है एक क्वाड्रिटी इक्वेशन का दो रूट होता है अल्फा और बीटा तो इफ अल्फा इज पी प्लस root q beta will be p minus root q conjugate roots occur in pair conjugate roots occur in pairs conjugate root occur in pairs ठीक है ये क्लियर है चलिए क्वेश्चन ट्राई करते हैं पहला क्वेश्चन मेक अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन हुज रूट्स आर थ्री एंड फाइव चलिए फटाफट बना बताइए आंसर क्या होगा एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाना है जिसका रूट्स आर थ्री एंड फाइव आंसर क्या होगा एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ द रूट्स इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स इक्वल्स टू जीरो और एक्स स्क्वायर माइनस एट एक्स प्लस फिफ्टीन इक्वल्स टू जीरो सही है ना नेक्स्ट क्वेश्चन देखो मेक अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन हुज वन ऑफ द Roots whose one of the roots is three plus root five by two. Make a quadratic equation whose one of the roots is three plus root five by two. तो मैं क्या लिखूंगा अगर अल्फा थ्री प्लस रूट फाइव बाई टू है तो कॉन्जुकेट रूट ऑकर इन पेयर्स बीटा थ्री माइनस रूट फाइव बाई टू होगा हा या ना येस और नो तो अल्फा प्लस बीटा सॉल्व करेगा तो थ्री आएगा और अल्फा बीटा मल्टीप्लाई करेगा ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बाई टू तो टू आ रहा है मेरा तो सम ऑफ द रूट्स इज थ्री एंड प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स इज टू नीचे टू नहीं होगा नीचे भी फोर ही होगा ये फोर होगा तो ये मेरा हो जाएगा वन क्योंकि टू इंटू टू फोर होता है ना तो मेरा आंसर क्या हुआ एक्स स्क्वायर एक माइनस थ्री एक्स प्लस वन Equals to zero. X square minus three x plus one equals to zero. X square minus three x plus one equals to zero. नेक्स्ट क्वेश्चन फाइंड डी डी का मतलब क्या है बच्चा पार्टी? डिस्क्रिमिनेट पहला इक्वेशन एक्स स्क्वायर माइनस एट एक्स प्लस सिक्सटीन इक्वल्स टू जीरो हेयर ए इज वन b is -8 and c is 16 therefore b square minus 4ac minus 8 ka square minus 4 into 1 into 16 64 minus 64 is 0

तो ये मेरा हो गया x माइनस फोर का होल स्क्वायर x माइनस फोर इंटू एक्स माइनस फोर इक्वल्स टू जीरो देयर फॉर एक्स इक्वल्स टू फोर कॉमा फोर क्योंकि इसका डिस्क्रिमिनेंट जीरो है ना रूट्स विल बी रियल एंड इक्वल रूट्स विल बी रियल एंड इक्वल आगे बढ़ते हैं सेकेंड पार्ट थ्री एक्स स्क्वायर माइनस एट एक्स प्लस फोर इक्वल्स टू जीरो तो यहां पर ए का वैल्यू हो गया थ्री b is again minus 8 c is 4 therefore b square minus 4ac minus 8 ka square is minus 4 into 3 into 4 that is 64 minus 48 is 16 ज सिक्सटीन अ परफेक्ट स्क्वायर येस और नो क्या सिक्सटीन एक परफेक्ट स्क्वायर है तो सिक्सटीन इज अ परफेक्ट स्क्वायर देयर फॉर रूट आर रियल Unequal and Rational so Roots are real, unequal, and rational. सेकेंड पार्ट क्लियर लेट अस मूव टू थर्ड पार्ट यह आप पहले खुद से ट्राई करेंगे फाइव एक्स स्क्वायर माइनस फोर एक्स प्लस टू इक्वल्स टू जीरो माइनस फोर एक्स प्लस टू इक्वल्स टू जीरो तो हेयर ए इक्वल्स टू बी इक्वल्स टू सी इक्वल्स टू बताइए ए में क्या लिखू मैं ए का वैल्यू क्या है ए इज़ फाइव b is -4 and c is 2 therefore b square minus 4ac equals to -4 ka square minus 4 into 5 into 2 it is coming to 16 minus टी विच इज माइनस ट्वेंटी फोर सबका यही आया है माइनस ट्वेंटी फोर विच इज लेस देन जीरो येस और नौ दे आर फोर Roots are imaginary. Therefore, roots are imaginary. Therefore, roots are imaginary. इसका एक पार्ट और है वो भी करेंगे टू एक्स स्क्वायर माइनस सिक्स एक्स माइनस थ्री इज इक्वल्स टू जीरो जल्दी बताओ ए का वैल्यू क्या है टू बी इज माइनस सिक्स एंड सी इज माइनस थ्री देयर फॉर बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी इज इक्वल्स टू माइनस सिक्स का होल स्क्वायेर माइनस फोर इंटू माइनस थ्री इंटू टू तो थर्टी सिक्स प्लस 24 60, which is greater than 0 it is not a perfect square therefore roots are real unequal and irrational फॉर रूट्स आर रियल अनईक्वल एंड ई रैशनल कोई बता सकता है रैशनल नंबर्स किसको बोलते हैं कैन एनी वन टेल मी वॉट आर रैशनल नंबर्स प्लीज अनम्यूट योर सेल्फ एंड स्पीक रैशनल वेरी गुड रियल नंबर्स दैट कैन बी एक्सप्रेस्ड इन द दफ पी बाई क्यू वेयर कंप्लीट करिए वेयर वेयर क्यू इज नॉट इक्वल टू जीरो इन शॉर्ट रूट नहीं आएगा आप इसको सॉल्व करिए आपका एल्फा में रूट आएगा प्लस रूट टू ऐसा कर कुछ आ जाएगा ट्राई टू सॉल्व दिस बाय द वे ऑफ श्रीधर आचार्य यू विल सी यू आर गेटिंग पी प्लस रूट पी प्लस रूट क्यू के फॉर्म में ये डिस्क्रिमिनेंट वाला पार्ट क्लियर है कैन वी मूव टू द नेक्स्ट टाइप ऑफ क्वेश्चन ये वाला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है बहुत बार पूछता है मेरे को एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे दिया है टू एक्स स्क्वायर प्लस थ्री एक्स स वन इक्वल्स टू जीरो और मेरे को बोल दिया है कि इसका जो रूट्स है दे आर अल्फा एंड बीटा मेरे को बोल दिया क्लियरली कि इसका रूट्स क्या है अल्फा एंड बीटा लॉट ऑफ टाइम्स दे टेल टू फाइंड द वैल्यू नंबर वन अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर एंड नंबर टू अल्फा स्क्वायर बाय बीटा प्लस बीटा स्क्वायर बाय अल्फा अब कैसा भी इक्वेशन आए मेरे को यह पता है कि अल्फा प्लस बीटा इज माइनस बी बाई ए एंड बीटा इज सी बाई ए इस सम में बी इज थ्री तो माइनस थ्री बाई टू और ये हो जाएगा हाफ यहां तक क्लियर है पहले ये बताइए सम ऑफ द रूट्स इज सम ऑफ़ द रूट्स इज माइनस बी बाई एंड प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स इज सी बाई ए सो टेक्निकली ये हो जाता है अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर माइनस टू अल्फा बीटा दैट इज माइनस थ्री बाई टू का होल स्क्वायर माइनस टू इंटू हाफ सॉल्व करेंगे नाइन बाई फोर माइनस वन दैट इज फाइव बाई फोर बोलिए पार्ट वन में अगर कोई प्रॉब्लम है तो बताइए इफ एनी वन इज हैविंग एनी प्रॉब्लम इन पार्ट वन याद है एक दिन क्लास में मैंने लिखाया था ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का फॉर्मूला ए प्लस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला तब हो सकता है कुछ लोगों को लगा होगा कि हम लोग को क्या सिखा रहा है हम लोग को तो मालूम है ये सब चीज बट ये सब छोटा छोटा चीज जब चैप्टर्स के बीच बीच में पूछ देता है डिफिकल्ट चैप्टर्स के बीच बीच में फिर हमको लगता है चैप्टर डिफिकल्ट है चैप्टर डिफिकल्ट नहीं है हमारा बेस उतना स्ट्रांग नहीं है देर आर सर्टेन चैप्टर्स जो हो सकते हैं आपके सिलेबस में कभी ना आए बट उसका एप्लीकेशन हमेशा जिंदा रहेगा हर एक चैप्टर में दिस इज वन ऑफ देम बेसिक एल्जेब्रिक प्रॉपर्टीज बेसिक एरिथमेटिक ऑपरेशन ये सब हर चैप्टर का एसेंस है इसके बिना आप कोई भी चैप्टर का सोल्यूशन नहीं कर पाएंगे अब इसको अगर हम लोग देखेंगे तो हम लोग क्या लिख सकते हैं अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब बाय अल्फा बीटा नेक्स्ट स्टेप में अल्फा प्लस बीटा होल क्यूब माइनस थ्री अल्फा बीटा इंटू आल्फा प्लस बीटा बाई अल्फा बीटा वैल्यूज पुट करिए माइनस थ्री बाई टू होल क्यूब माइनस थ्री इंटू हाफ इंटू माइनस थ्री बाई टू होल डिवाइडेड बाई हाफ उसको सॉल्व करिए ऊपर में आ जाएगा ट्वेंटी सेवन बाई एट माइनस ट्वेंटी सेवन बाई एट प्लस नाइन बाई फोर होल्ड डिवाइडेड बाय हाफ कितना आ रहा है फाइनल आंसर इसका फाइनल आंसर कितना आ रहा है माइनस ट्वेंटी सेवन प्लस एटीन डिवाइडेड बाय एट इंटू टू माइनस नाइन बाई फोर गलत है कि सही है हाँ वॉट इज द राइट आंसर हम लोग ने सही किया है ना कोई बता सकता है ये रूट्स ऑफ द इक्वेशन का मतलब क्या होता है ये जो मैं लिख रहा हूं रूट्स ऑफ द इक्वेशन इसका बेसिकली मतलब क्या होता है इट इज द दोल्यूशन ऑफ द इक्वेशन यस और नो सर सोल्यूशन ऑफ द इक्वेशन बोले तो कि इफ we replace x by alpha or beta the LHS will be same as RHS basically हमलोग अगर x को alpha put करेंगे तो मेरा LHS और RHS same आएगा ठीक है तो इसी कॉन्सेप्ट के ऊपर देर इज अ क्वेश्चन दिया हुआ है के माइनस टू एक्स स्क्वायर प्लस के माइनस फाइव एक्स माइनस फाइव इक्वल्स टू जीरो प्रोवाइडेड के इज नॉट इक्वल टू टू लॉजिकल है अगर के टू हो गया तो वो जीरो हो जाएगा तो क्वाटेटिक लाइन है ना इसका पहला पार्ट क्या बोल रहा है वन रूट ऑफ द इक्वेशन वन रूट ऑफ द इक्वेशन इज थ्री तो मेरे को क्या करना चाहिए एक्स की जगह थ्री पुट कर देना चाहिए ताकि मेरा के का वैल्यू आ जाए यस और नो If I replace x by 3, will I get k? हाँ सर क्योंकि ऊपर तो आपने यही लिखा है कि अगर आप x को replace कर रहे हो कोई भी एक root से LHS और RHS बराबर आएगा तो मेरा k का आंसर निकल जाएगा तो मैं x को यहाँ पर 2 put कर रहा हूँ, तो k minus 2 into 2 का square plus K minus five into two minus five equals to zero or four K minus eight plus two K minus ten minus five equals to zero or six K minus twenty three equals to zero और k इज इक्वल्स टू ट्वेंटी थ्री बाई सिक्स चेक करिए ओ ठीक है गलती हो गया ये थ्री होगा ये थ्री का स्क्वायर होगा so it will be 9k minus 18 plus 3k minus 15 minus 5 equals to 0 12k minus 38 equals to 0 or k equals to 38 by 12 विच इज नाइनटीन बाई सिक्स सबका आया नाइनटीन बाई सिक्स बोलिए क्लियर है हाँ आगे बढ़े नेक्स्ट पार्ट टू रूट्स इज फाइव सम ऑफ द रूट आर फाइव फाइंड के वी नो दैट अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू माइनस बी बाई ए और फाइव इज इक्वल टू यहां बी का वैल्यू क्या है के माइनस फाइव और ए का वैल्यू है बी का वैल्यू है के माइनस फाइव ए का वैल्यू है के माइनस टू क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे फाइव के माइनस टेन माइनस के प्लस फाइव सब के एक तरफ तो के का आंसर आ गया फिफ्टीन बाई के का आंसर आ गया फिफ्टीन बाई सिक्स दैट इज फाइव बाई टू के का आंसर आ गया फिफ्टीन बाई सिक्स दैट इज फाइव बाई टू बोलिए इज द सेकेंड पार्ट क्लियर चलिए थर्ड पार्ट द प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स इज माइनस थ्री प्रोडक्ट of the roots is minus three. तो अल्फा बीटा क्या होता है सी बाई ये हम लोग के सम में is minus five हम लोग के सम में is minus five minus five by माइनस टू अगेन क्रॉस मल्टीप्लाई करेगा तो माइनस थ्री के प्लस सिक्स इक्वल्स टू माइनस फाइव माइनस थ्री के इक्वल्स टू माइनस इलेवन और के इक्वल्स टू इलेवन बाई थ्री माइनस माइनस गेट्स कैंसल्ड माइनस माइनस गेट्स कैंसल्ड माइनस माइनस गेट्स कैंसल्ड बोलिए एनी डाउट इस पार्ट तक कोई डाउट किसी को चलिए नेक्स्ट पार्ट में आते हैं पार्ट फोर पार्ट फोर का क्वेश्चन है द रूट्स आर इक्वल पार्ट फोर का क्वेश्चन है द रूट्स आर इक्वल सिंस द रूट्स आर इक्वल देयरफॉर फॉर

एन सी इज माइनस फाइव उसको सॉल्व करना होगा हम लोग को और के स्क्वायर माइनस टेन के प्लस ट्वेंटी फाइव माइनस फोर प्लस हो जाएगा यह माइनस फोर इंटू माइनस फाइव प्लस ट्वेंटी के माइनस फोर्टी इक्वल्स टू जीरो तो के स्क्वायर माइनस टेन के प्लस प्लस टेन के माइनस फिफ्टीन इक्वल्स टू जीरो देखो तो कुछ कैलकुलेशन मिस्टेक हुआ है क्या नहीं कोई मिस्टेक नहीं है जो श्रीधर आचार्य के हिसाब से अल्फा क्या होगा माइनस ऑफ बी प्लस रूट ओवर बी स्क्वायर माइनस फोर ए

बाई टू खूब जो टू कैंसिल करेगा तो फाइनल आंसर तुम्हारा आएगा माइनस फाइव प्लस माइनस टू बेसिकली मैं दिखा रहा हूं आपको ये वाला पार्ट फिर से करके पहले आप लोग यहां तक देखिए ये वाला पार्ट तक सबको क्लियर है श्रीधर आचार्य वाला नी वन इज हैविंग एनी प्रॉब्लम श्रीधरा आचार्य अप्लाई करने में किसी को कोई प्रॉब्लम यस yes. तो रूट ओवर 160 में इसको ब्रेक करो 4 इंटू फोर इंटू टेन तो 4 रूट टेन हो जाएगा तो मेरा आंसर आ रहा है अल्फा का माइनस टेन प्लस फोर रूट टेन बाई टू और बीटा आ जा रहा है माइनस टेन माइनस माइनस टेन माइनस फोर रूट टेन बाई टू इसमें से टू हटाएंगे तो माइनस फाइव प्लस टू रूट टेन इसमें से टू हटाएंगे तो माइनस फाइव माइनस टू रूट टेन देयर फॉर के का आंसर हो गया माइनस फाइव प्लस माइनस टू रूट टेन के का आंसर आ गया माइनस फाइव प्लस माइनस टू रूट टेन इस क्वेश्चन का पार्ट फोर इज वेरी इंपॉर्टेंट एक लास्ट पार्ट करेंगे दैट इज पार्ट फाइव द रूट्स आर न्यूमेरिकली इक्वल द रूट्स आर न्यूमेरिकली इक्वल बट ऑपोजिट इन साइन द रूट आर न्यूमेरिकली इक्वल बट ऑपोजिट इन साइन तो हम लोग बोल सकते हैं अल्फा इक्वल्स टू माइनस बीटा और बीटा इक्वल्स टू माइनस अल्फा येस और नो दोनों का वैल्यू सेम है ना तो इसका मतलब मेरा सम ऑफ द रूट्स विल बी जीरो देर फॉर माइनस बी बाई ए इक्वल्स टू जीरो और माइनस बी इक्वल्स टू जीरो और बी इक्वल्स टू जीरो तो बी मेरा के माइनस फाइव है तो मेरा के का वैल्यू आ जाएगा फाइव तो मेरा के का वैल्यू आ जाएगा फाइव वेन रूट्स आर सिमिलर इन वैल्यू बट ऑपोजिट इन साइन वेन रूट्स आर सिमिलर इन वैल्यू बट ऑपोजिट इन साइन देयर सम इज इक्वल्स टू जीरो

Yes, any doubt? Anyone? यहां तक क्लियर है आपको चलिए आज के लिए इतना ही फिर हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे थैंक यू सो मच